हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ लक्ष्मी और आ गई हूँ एक नए सफ़र के साथ। तो दोस्त, आप लोग मेरे सफ़र में लास्ट तक बने रहिएगा। और तो आइए फ्रेंड, अपना ब्लॉग अभी शुरू करते हैं। आज मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हेयर केयर रूटीन। तो हेयर केयर रूटीन में फ्रेंड, आज मैं अपने बालों में लगाने वाली हूँ हिना पैक। तो यहाँ पर मैं कैसे लगाती हूँ हिना पैक, मैं सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड। ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड। तो आइए फ्रेंड, अभी क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे है, सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वैसे तो सभी लोग हिना पैक लगाते हैं अपने बालों में, मगर सभी लोगों का तरीका अलग अलग होता है लगाने वाला। तो कुछ लोग सिंपल से ही लगा लेते हैं, बस मेहंदी को केवल पानी में घोल के और सिंपल तरीके से इजीली अप्लाई कर लेते हैं अपने बालों में। और कुछ लोग हैं तो उसमें कुछ जो हमारे बालों के लिए उपयोगी हैं चीज़ें, वो सब डाल के लगाते हैं। तो क्या होता है कि मेहंदी का जो है फ़ायदा, वो दुगना फ़ायदा करने लगती है और उसका असर है जो वो दुगना बढ़ जाता है। तो मैं क्या क्या डालकर मेहंदी को अपने पैक, मेहंदी का पैक लगाती हूँ अपने सर में, सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैं मेहंदी को घोलने से पहले मैं उसमें क्या क्या मिलाती हूँ, सारा कुछ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैं ली हूँ फ्रेंड आंवला, और ये है सूखा आंवला फ्रेंड, और आंवले के साथ ये है सीखा काई और रीठा। इसमें तीन चीज़ है फ्रेंड, ये देखिए है सीखा काई और आंवला है, सीखा काई है और रीठा है। इसको मैं बहुत पहले ही ला के रखी थी, और जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं लगाती हूँ। डेली तो डेली या हफ्ते में या ऐसे मैं नहीं लगा पाती हूँ, मगर जब मेरे पास टाइम मिलता है तब मैं लगा लेती हूँ। अभी ये ख़त्म हो चुका है, बस केवल लास्ट इतना ही बचा है। और मुझे ये लाए करीबन एक साल हो गया, और मैं इसको एक पाव के करीब लाई थी। तो सारा मैं अपने बालों में लगा चुकी हूँ, ये लास्ट बचा है। और फिर ये आंवला रीठा सीका काई है, और उसके बाद है ये फ्रेंड लोहे की कढ़ाई। तो लोहे की कढ़ाई हमारी बिल्कुल साफ़ है, और उसमें जो है आंवला रीठा सीका काई, तो उसको मैं इसमें डाल दूंगी जो लोहे की कढ़ाई है हमारी, और उसमें थोड़ा सा ही पानी डालेंगे। और जितना आपको मेहंदी पैक बनाना है हमें उतना ही पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें, नहीं तो हमारी मेहंदी है जो वो काफ़ी पतली हो जाएगी और हमारे बालों में सही से रुकेगी नहीं। और इसको हम तीनों को आपस में भिगवा देंगे। भिगाने के बाद इसको हम अब क्या करेंगे, इसको हम रख देते हैं गैस पर, और गैस पे हम इसको थोड़ा थोड़ा गर्म करेंगे, खौलाएंगे इसलिए फ्रेंड, ताकि आंवला और सीका का रीठा का जो मतलब रस है वो पानी में निकल जाए अच्छी तरीके से, और ऐसे अच्छी तरीके से निकल जाएगा। और इसे हम 15-20 मिनट तक खोलने देंगे। खोलने के बाद आप देखोगे ना कि आपके पानी का जो कलर है वो बिल्कुल काला हो गया है। और यहाँ पर मैंने कुछ कील ली हुई हूँ, तो कुछ कील को भी मैं उसी में डालूँगी, और कील को उसी में डाल के मैं गैस ऑन कर दी हूँ, और इसको ढक के छोड़ दी थी पकने के लिए। और कुछ देर बाद जो है हमारा आंवला और सीका काई जो है वो देखिए कुछ पकने के बाद ऐसा हो गया था, और बिल्कुल जो उसका रस होता है ना सीका काई आंवला का, वो पानी में बिल्कुल निकल गया है। और साथ में ही जो लोहे की कील हमने डाला था उसका भी रस वो भी निकल गया है, और साथ में लोहे की कढ़ाई का भी। तो अभी कुछ देर मैं इसे ढक के छोड़ दे रही हूँ ठंडा होने के लिए। तो ठंडा होने के लिए मैं 4-5 घंटे तक इसको छोड़ी थी। आप चाहें तो रात भर के लिए भी टाइम दे सकती हैं। और फिर उसके बाद 5-6 घंटे के बाद फिर यहाँ पर मैं उसको मैं छान के फेंक दी थी, जो था आंवला सीका का रीठा। आराम से
आपको चाय छन्नी से आप छान सकती हैं, और मैं आपको छानते हुए नहीं दिखा पाई क्योंकि उस टाइम लाइट नहीं था। और यहाँ पर देखिए मेरा जो मेहंदी का पैक है वो है मेरा नूपुर मेहंदी है, दो पैक मुझे लगाना है क्योंकि मेरा थोड़ा सा बाल है तो उसमें दो पैक ही लग पाता है और एक पैक में नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर देखिए मेरी मेहंदी है जो वो अब तैयार हो गई है, और फिर से मैं इसको ढक के रख दूँगी, इसको ढक के रख दूँगी रात भर के लिए सेट होने के लिए। और ऐसा करने में फ्रेंड मेहंदी को पूरा कंप्लीट अच्छे से तैयार करने में 2 दिन का टाइम लग जाता है। तो फिर मैं मेहंदी को घोलने के बाद एक रात के लिए फिर मैं इसे इसी लोहे की कढ़ाई में ढक के रख दूँगी। और ये है फ्रेंड अभी अभी ये वाला है तीसरे दिन का। तो अब मैं यहाँ पर लगाने जा रही हूँ अपने बालों में, और कैसे लगाना है आप लोग देख सकते हैं। और हाथों में लेके आपके पास ग्लव्स है तो आप हाथों में ग्लव्स लगा के लगा सकती हैं, क्योंकि मेहंदी को लगाने के बाद हाथ है जो हाथ ख़राब हो जाते हैं रीठा की वजह से, और हाथ हमारे जो हैं और आंवला की वजह से हाथ जो हैं हमारे बिल्कुल काले हो जाते हैं। तो आप ग्लव्स पहन के लगा सकती हैं, आपको अपने हाथों को बचाना है तो। और रीठा का हाथ पे इतना जल आंवला और रीठे का हाथ पे इतना कलर चढ़ जाता है कि 4 या 5 दिन तक छूटता ही नहीं है। और ऐसे ही करके पूरा कंप्लीट अपने सर में लगा लेना है जो हमने मेहंदी का पैक बनाया हुआ है, और बिल्कुल अच्छे से आराम से पूरे 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 सर में, जड़ों में और बालों के पीछे और कान के साइड में अच्छे से पूरे में लगा लेना है। और देखिए